सो गाइस, सडनली पूरा प्लान चेंज हो गया। और कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हैदराबाद से केरला आया, उसके बाद में मेरा यहाँ पे रहने का व्यवस्था ये रूम में मेरा दोस्त वो किया था। उसके बाद में जो मुझको काम ढूंढना था यही रूम में रह के मैं इधर उधर उसके दोस्त के साथ में काम ढूंढा। उसके बाद में फाइनली आज मुझको काम मिल गया और मेरा यहाँ से आज चेकआउट है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, उसके बाद में आगे का जर्नी आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं मैं इस रूम में एक दिन था, तो कल में मैं यहाँ पे चेक इन किया था, तो आज मैं यहाँ से चेकआउट करूंगा। तो मेरा लगेज वगैरह भी सारा रेडी है, तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ। गाड़ी मैंने बुलाया है और यहाँ पे सामने ही मेट्रो स्टेशन है, यहीं पे सामने मेरा रूम भी था, आप देख सकते हैं उधर। और इधर भी पीछे तरफ है स्टेशन मेट्रो का, आप देख सकते हैं। ये रहा, ये मेट्रो स्टेशन है, इधर पे रोड के उधर पे भी है, आप लोग देख लीजिए। वो रहा उधर पे, वो सीधा, और यहाँ से ये मेट्रो जाती है, ये मेट्रो का लाइन है जाने वाला। सो गाइस, मैं यहाँ आ गया और यहाँ आके मैं अपना लंच भी कर लिया। उसके बाद में जो ये फ्रेंड है इससे मैं कांटेक्ट करके आया, और इससे कांटेक्ट कराने वाला एक फ्रेंड है और वो लड़की है, उससे मैं कांटेक्ट किया, उसके बाद में इससे कांटेक्ट किया, उसके बाद में आया और फर्स्ट टाइम इससे मिला। मज़े की बात तो ये है कि उस लड़की से भी मैं कभी नहीं मिला, इसी बस सोशल मीडिया में बात करते करते ही हम लोग यहाँ पे आया और कांटेक्ट करके उससे कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद में उससे ये फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उसके बाद में मैं यहाँ आया। तो अभी मैं यहाँ से फिलहाल निकलूँगा बस स्टैंड, उसके बाद में मैं यहाँ से जाऊँगा। और बाकी एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं थैंक यू तो नहीं बोलता, क्योंकि अपने आदमी को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा रूल है। जब मिलेंगे तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो फ्रेंड जो है, इसका भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड अभी हो गया, तो उसको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मैं वेस्ट बंगाल आऊँगा तो मेरे तरफ से ट्रीट है, और ट्रीट में क्या चाहिए बस बोल देना, हम लोग तीनों एक साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीट का इंजॉय करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो मैं बस स्टैंड पहुँच गया, आप ये देख सकते हैं। मैं बस में भी बैठ गया और ये बस निकलेगी 1:30 को, तो अभी कम से कम 10 मिनट्स बचा हुआ है। उसके बाद में ये कोट्टम के लिए निकल रहा हूँ मैं, उसके बाद में देखते हैं क्या क्या व्यू देखने के लिए मुझको मिलेगा, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो इन्जॉय करते करते जाएंगे। क्या थे जो फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करके आए थे, वो फ्रेंड के बारे में तो क्या कहूँ यार, लाजवाब, बोलने के लिए आई हैव नो वर्ड्स, स्पीचलेस हूँ। बट बहुत ही अच्छा फ्रेंड है यार, ऐसा फ्रेंड बहुत कम मिलते हैं। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. But I won't close my eyes. I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I feel so alive, feel so alive. But I won't close my eyes. I feel so alive. Take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. Can you take me higher? So guys, suddenly पूरा प्लान चेंज हो गया। और कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे ही बस चढ़ा कोटियम के लिए, उसके बाद में व्यू का इंजॉय तो लेते लेते जा रहा था, तो कोटियम का जो बस स्टैंड है वहाँ पहुँचने से पहले ही मतलब मेरा मोबाइल का बैटरी लो होने लगा, तो मैंने अपना मोबाइल को पावर सेवर में डाल दिया। पावर सेवर में डालने के बाद में मैं सोचा कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो नई जगह, मुझे नहीं पता कौन सा एरिया क्या है नहीं है, तो इसलिए पावर सेवर में डाल दिया ताकि मैं किसी को कॉल कर पाऊँ और कोई मुझे कॉल कर पाए।
तो जो फ्रेंड से मैं कॉन्टेक्ट करते करते जा रहा था वो फ्रेंड को मैंने कॉल लगाया और मुझको कहाँ आना है ये मैंने पूछा। उसके बाद में ऑटो में मैं वहाँ तक गया। उसके बाद में वो पूरा दिन मैं उस फ्रेंड का रूम में था और उस फ्रेंड ने मुझको बोला कि नेक्स्ट डे मैनेजर आएगा और तुम्हारा ड्यूटी जहाँ पे होगा वहाँ पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट डे होता है और नेक्स्ट डे होने पर वो लगेज भी आप सारा देखे कितना सारा है। तो फ्रेंड ऑटो लेके आया और वो मैनेजर बाइक में आया। उसके बाद में मैनेजर आगे आगे बाइक में चलते गया और मैं ऑटो में। सडनली मेरा माइंड चेंज हो गया। उसके बाद में मैं वो ऑटो वाला को वहीं पे रोक देने के लिए बोला और उसके बाद में वो ऑटो से उतर के मैंने दूसरा ऑटो फिर लिया। उसके बाद में सीधा बस स्टैंड और बस स्टैंड आने के बाद वहाँ से बस से सीधा यहाँ पे आ गया। आप ये देख सकते हैं ये होटल है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद में मैं फुल्ली रिलैक्स किया, फ्रेश व्रेश हुआ। उसके बाद में मैं सडनली सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद में मैंने अच्छी तरीके से सोचा। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बाहर आया पैसे के लिए नहीं आया। ज़्यादातर यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, आसाम से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट से आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं। बट मैं काम तो यहाँ पे कर ही रहा था बट मैं पैसे के लिए नहीं आया था। मेरा भी एक प्रॉब्लम है, सभी का पैसा का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है बट उसका सोल्यूशन एक ही होता है और वो है पैसा। बट मेरा पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एक ही प्रॉब्लम था, वो मुझको ठीक करना। मैं अपने आप को ठीक करने के लिए आया था यहाँ पे और 6 to 7 months यहाँ पे मैं रुका और मैं अपने आप में कम से कम 60% मैं अपने आप को ठीक कर लिया। और जब मैं तमिलनाडु में था, वहाँ से निकलने ही वाला था, तो उसका 1 week पहले ही माँ ने मुझको कॉल किया था और माँ ने मुझको बताया, मुझे हमेशा सपोर्ट दी, साथ दी और क्यों प्यार इतना करती थी उसके बारे में मैं पूछा तो माँ ने मुझको सच्चाई बताया जो कि आज तक कभी भी मुझे नहीं पता था और ना ही किसी को पता है। तो वो सच्चाई जानने के बाद में मैं इधर हैदराबाद आ गया। फिर हैदराबाद में 4 months रुका। उसके बाद में मैं अपने आप को 60% ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं केरला के लिए फिर यहाँ पे ट्रैवल किया। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में मैं सडनली सोचा बस बहुत हो गया, 7 months में मैं अपने आप को 60% ठीक कर लिया, बचा 40% और वो 40% को मैं एक ही बार वो प्रॉब्लम से फेस करके ही उस प्रॉब्लम को हराऊंगा। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आप लोग को जल्द पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग आर्या बेग ब्लॉग चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।